एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि पता है आपको, हमने सीरीज की है स्टार्ट, जिसमें कि हमने कर रहे हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी को बहुत 1000 क्वेश्चन में कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हमने किया है कि एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में आपको दे रही हूँ, बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये सीरीज जो कंप्लीट देख लेगा उसको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। उसको बुक्स, जैसे कि किसी के पास टाइम नहीं होता क्वेश्चंस पढ़ने का, तो वो आप बुक्स पढ़ने का, तो आप एक क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के हमने इस तरीके से बनाए हैं कि आपके सारे टॉपिक हो जाए और साथ साथ प्रीवियस ईयर सारे भी। देखो, ये तो बायोलॉजी की सीरीज रहेगी, बाकी हमने केमिस्ट्री के लिए आपके लिए एक 500 क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन टाइप किए हैं, 5 क्लासेस है 2.5 आवर की, वो भी देख लेंगे, सफिशिएंट है। एंड एमसीक्यू की फॉर्म में देखना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने आपके लिए सीरीज बनाई हुई है, एटलीस्ट उसके 20 लेक्चर होंगे, तो आपका जैसे कि कुछ ही टाइम है, 1/2 आवर से भी कम एक लेक्चर है, तो आपका वहाँ से केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, इस सीरीज़ को अगर आप एक बार देखोगे माइंड में बैठ जाएगा, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, तो आपका हर चीज़ आपके माइंड में रह जाएगी, तो इससे आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लेम सेल इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? देखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो भी क्वेश्चन थे हमने कुछ पहले किए थे, कुछ आज कर रहे हैं क्योंकि उसमें चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आता है फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब हम यहाँ पे 4-4 के जो इससे पॉइंट हैं, इन सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो, राउंड वर्म का आता है आपका नेफ्रीडिया एंड डिफ्यूज टाइप होता है, ठीक है। इंसेक्ट में आ जाता है मेल्फीजियन ट्यूब्यूल एंड मोलस्का में आते हैं बोजन्स ऑर्गन, मेटा नेफ्रीडिया एंड कैबर्स ऑर्गन। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है, बोजन्स ऑर्गन किस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेल्फीजियन ट्यूब किस में है, नेफ्रीडिया किस में होता है, तो डबल तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि 2-3 साल 4 साल जैसे कि आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, तो उन सबका कंसाइज करके हमने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। बाकी रहा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी फ्लेम सेल आपका ऑप्शन आता है एक्सक्रीटरी सिस ऑर्गन है, जो वो आता है प्लैटी हेलमेंथीस, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ टेप बॉम इज सेड टू बी, बॉडी जो होती है टेप बॉम की वो कैसी होती है? वो होती है प्सीडो सेगमेंटेड। और मेटा सेगमेंटेड किसकी होती है? मेटा सेगमेंटेड होती है एनालिडस की। और जो आपके जैसे प्लैट जैसे कि टेप बॉम आ गया, टेप बॉम से पहले और जो फाइलम है उनमें होती है अनसेगमेंटेड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। देखो, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, तो आपका एक कंप्लीट टॉपिक है ये। फिर आता है आपका हनी बी स्पीसीज रियली मोस्ट वाइडली इन इंडिया, कौन सी स्पीसीज हनी बी की इंडिया में पाई जाती है? चलिए देखते हैं। एपिस फ्लोरेरा, इसको हम बोलते हैं रेड ड्वार्फ हनी बी एंड लिटिल बी के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर आता है एपिस डॉर्सेटा, ये गेंट हनी बी मतलब रॉक बी के नाम से जानते हैं। और जो इंडिया में चलती है वो होती, सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होती है एपिस इंडिका, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब आपको पता ही है हनी बी कहाँ से मिलती है, मतलब क्या काम करती है, हमें वैक्स देती है, हमें हनी देती है, जो कि बहुत ही बेनिफिट है। फिर आता है आपका एपिस मेलिफेरा, इसको हम बोलते हैं इटालियन बी। देखो, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, फिश विच इरेडिकेट मॉस्किटो लार्वा, ये क्वेश्चन आपको जीके में भी आ जाता है कई बार। अब देखो, जो फिश मॉस्किटो लार्वा को खाती है, मेन मॉस्किटो लार्वा जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, तो कौन सा है? गैम्बूजा, ठीक है, यानी आपको ऑप्शन सी इज द करेक्ट। रोहू रही आपकी जैसे कि बोनी फिश, एनावस आपकी रही वॉकिंग फिश, एंड क्लारिस रही आपकी फ्रेश फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैमल, कौन सा मैमल नहीं है? तो देखिए, पॉपॉइस आपका मैमल है, डॉल्फिन आपका मैमल है, व्हेल आपका मैमल है। अब आप सोचोगे ये सब तो फिशीज हैं, पानी में रहने वाली हैं, तो ये मैमल्स में कैसे आ गए? जो करैक्टर मैमल में इसको सेटिस्फाई करते हैं वो सब करैक्टर इसमें हैं, तो ये किस में आ गए? मैमल्स में। रही शार्क, शार्क आती है आपकी फिशेज में, मतलब नॉट पूछा है ना, तो याद रखना ये 3 हो गए आपके क्वेश्चन मैमल से रिलेटेड। एक आपको ये भी पता लग गया कि शार्क किस में है,
शार्क आती है आपकी कार्टिलेज फिशेज में, क्लास कॉन्ड्रीथाइटिस, ठीक है, कॉन्ड्रीथाइटिस। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच मैमल आर बी सी न्यूक्लिएटेड, किस मैमल का आर बी सी न्यूक्लिएटेड होता है। सबका क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लिएटेड नहीं होता। तो इसमें आता है आपका कैमल का आर बी सी न्यूक्लिएटेड होता है, ये एक्सेप्शन आती है, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब वो कंगारू के बारे में आपको ही है, नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रेड जो कंगारू होता है वो देता है टू टाइप्स ऑफ ए मिल्क, क्लियर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंटेलिजेंस एपी देखते हैं। देखो आपका आता है गोरिल्ला, गोरिल्ला आता है लॉन्गेस्ट एपी, ठीक है। फिर चिंपैंजी, चिंपैंजीज आता है आपका मोस्ट इंटेलिजेंट। गिबन आता है आपका हाइलोबेट्स में, फाउंड होता है इंडिया में, ये भी एक टाइप का एपी है। प्रेस्पाइटिस ये आता है लंगूर, ये तो आपने देखे ही होंगे। अब देखो एपीज एंड आपका मैन, ठीक है, एपीज एंड मैन के जो कॉमन जो वर्ड यूज होता है वो होता है सीमेंस, ठीक है, क्या होता है सीमेंस, तो इस बात को आप ध्यान रखना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन से फीचर फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपको पता है सारे इंसेक्ट आते हैं, लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट फाइलम है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखो जो आपका नहीं आता, जिलेटिनस मैम्ब्रेन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ये आपका आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, पैरापोडिया जो होता है वो आपका आर्थ्रोपोडा में नहीं प्रेजेंट होता, ये प्रेजेंट होता है आपका एनेलिडा में। जॉइंट अपेंडिसेस भी आपकी आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साउंड एब्जॉर्बर ऑर्गन इन ऑफ ए बर्ड इज, बर्ड्स में साउंड एब्जॉर्बर ऑर्गन कौन से होते हैं, तो वो आता है सिरिनिक्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लैरिंग्स ह्यूमन बींग्स में होता है, ग्लॉटिस आपको पता ही है एक फ्लैप टाइप का होता है गले में जो साउंड बॉक्स में, जैसे कि आप खाना खाते हो और सांस लेते हो तो वो कंट्रोल करता है, मतलब आप बोल सकते हो कि कोलैप्स नहीं होने देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। टॉर्टोइस रैप्टाइल्स इज करेक्ट, ठीक है, टॉर्टोइस आपका वो हो गया जो आप देखते हो 100 साल जीता है, ठीक है, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, आपका टर्टल। फिर आता है स्टूडियो, ये आपका एबीज में, ठीक है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। फिर आता है ऑर्निंथो, आपकी थोर ऑर्निंथो बाइंथस, ये मैमल्स में आता है। बक बिल्ड, ठीक है, बक बिल्ड बोलते हैं इसको, प्लैटीपस बोलते हैं, ब्लक बिल्ड प्लैटीपस बोलते हैं। फिर टर्पीडो, टर्पीडो आता है आपका कॉन्ड्रीथाइमस, मतलब यानी ये इसमें नहीं आता। कॉन्ड्रीथाइमस क्या है, कार्टिलेज फिशेस है, और ऑस्टियोकाइटिस ये आता है आपका बोनी फिशेस में, जैसे कि इसका एग्जांपल हिल्सा हार्सिना, ठीक है, ये इसके एग्जांपल आते हैं। तो ये करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, टॉर्पीडो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो इन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है कि मेल एंड फीमेल अलग अलग जैसे कि पर्सन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पॉरिफेरा एनेलिडा एकाइनोडर्मेटा, इन सब में एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, मैमल्स में होता है, यानी आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स कौन सा है इसमें से, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की गई है, तो पेट्रोमाइजॉन जो आता है ग्रंथोस्टोमेटा में वो आता है जॉलेस वर्टिब्रेट्स, सी लैम्पसीज को बोलते हैं अदर नेम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर आता है आपका एंगुला जिसको हम ईल बोलते हैं, एंड कैटला कैटला, ये आती है बोनी फिशेज में, ठीक है। स्कॉलिडॉन आता है जैसे कि आपका शार्क आती है, तो ये आती है आपके कार्टिलेज फिशेज में, तो डायरेक्टली आपका इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मोलस्का, कौन सा मोलस्का से रिलेटेड है। देखो प्रोटोटेरस देखते हैं, ये आती है अफ्रीकन लंग फिश, बोनी फिशेज में ये आती है। फिर आता है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश का अदर नेम बोल सकते हो आप लेप्सिना, डैमेज करती है बुक एंड क्लोथ को,
ठीक है, और ये आती है आपकी आर्थ्रोपोडा में, फिर आती है आपकी कटल फिश आती है आपकी मोलस्का में, और ये किस लिए यूज़ की जाती है, प्रोवाइड सेपिया इंक फॉर आर्टिस्ट के लिए ये इंक प्रोवाइड करवाती है। तो देखो मैंने ये फिशेस करके नाम दिया था ताकि कुछ हो सोचते हैं कि ये फिशेस में आएगा, ये तो है एग्जाम्पल नहीं है, प्रोटोप्टेरस आएगा, तो प्रोटोप्टेरस आता है बोनी फिशेस में, बट ये मोलस्का का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रूट इज, अब ये आपका चल पड़ा फिफ्थ चैप्टर में, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि रूट से रिलेटेड है, यहाँ पे आपके 5-6 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखो प्लिम्यूल जो होता है, जैसे कि प्लांट ग्रो कर रहा है, ये फ्लावर आ गया, ये आपका सॉइल आ गई सॉइल से नीचे, तो प्लिम्यूल आ गया आपका सूट एंड रूट आ गया आपका रेडिकल्स, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब है प्लांट सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो सन की तरफ तो सूट ही करेगी, तो ये तो आपका सूट का कंसेप्ट आ गया, तो ये भी इसका नहीं होगा। नेगेटिव जियोट्रॉपिक में भी सॉइल से ऊपर शूट के से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं आएगा। तो पॉजिटिव जो जियोट्रॉपिक है वो आता है आपका रूट के लिए, मतलब अब रूट के लिए जो कंसेप्ट रिलेटेड होगा ग्रोइंग पॉइंट, जैसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड रेडिकल रिलेटेड है रूट से, तो ग्रोइंग टिप अगर कुछ पूछा जाए तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव एंड रेडिकल, ये चीज़ें आपको रूट के बारे में लर्न करनी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि विच रीजन ऑफ ए टिपिकल रूट कॉल्ड ए जोन ऑफ सेल डिवीजन, किस, अब रूट हर चीज़ के पार्ट में बांटा गया है, तो जो रूट का है उसको भी पार्ट में बांटा गया है, तो कौन सा पार्ट उसका सेल ग्रोइंग के लिए सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है। देखो जोन ऑफ मैचुरेशन जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, लार्जेस्ट रूट हेयर होते हैं, बट ये जो आ रहा है सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करते क्योंकि ये मैच्योर हो चुके हैं। फिर आता है रूट हेयर जोन, इसमें होते हैं लॉन्गेस्ट रूट हेयर, और वो क्या करते हैं इसमें ऑब्जर्व करने को, ठीक है, ऑब्जर्व डेवलप करते हैं पार्ट जोन ऑफ इलॉगेशन का, एंड ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा मिनरल्स। फिर आता है आपका जोन ऑफ इलॉन्गेशन, ये 5 mm तक होता है, सेल डिवाइडेशन प्रॉपर्टी नहीं होती और स्मॉल वैक्यूल होता है, बाद में फ्यूज होकर लार्ज वैक्यूल बन जाता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को। अब आता है लास्ट ऑप्शन जो कि आता है आपका रूट जोन ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक जोन, इसमें हाईली न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन वैक्यूलेटेड होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल एंड सॉल्ट। अब एक और क्वेश्चन आता है रूट कैप, रूट कैप कहाँ प्रेजेंट होती है, कैप है मतलब अपर पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो उसमें क्या होता है एक एबिलिटी होती है जो उसको क्या करती है सॉइल में और डीप जाने में हेल्प करती है, सिक्रीट म्यूसिलेज सिक्रीट करता है जो उसको सॉइल में ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इससे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल, ठीक है, तो वो आती है देखो टैप रूट क्या होते हैं, एक रूट से आपका एक है यहीं से ग्रो कर रही है। फिर आती है आपके एडवेंटिस रूट होती है जो प्लांट के किसी भी पार्ट से आपकी डेवलप कर जाती हैं, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मॉडिफाइड रूट जो नए मॉडिफिकेशन होगी, फाइब्रस रूट भी कई बार आपको किसी बुक में मॉडिफिकेशन एडवांटेज रूट में दिख जाएगा, और कई बार फाइब्रस रूट का अलग से ही इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, तो फाइब्रस रूट वो आगी जो आपकी एक ही जगह से फाइबर की तरह ग्रो कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनिकल टैप रूट, अब देखो टैप रूट मैंने बताया था, ठीक है, एक जगह से ग्रो होगी और उसके बीच में जो बनी वो सेकेंडरी टर्शियरी तरीके से बनती है। अब टैप रूट से आपको डायरेक्ट शायद कोनिकल तरीके से ना आए, बट टैप रूट से क्वेश्चन आता है, तो आप बता सकते हो कोनिकल टैप रूट, इन सब में क्या होती है आपकी टैप रूट होती है, बट कोनिकल टैप रूट, अब इससे आप इस क्वेश्चन से ये भी समझ सकते हो कि किस, जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि किस रूट को हम खा सकते हैं, फ्लैशी रूट होती है किसकी, तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरा बिलिस, तो ये आती है ट्यूबरस टैप रूट, ठीक है, फिर टर्निप, सबने देखा होगा नैपी फॉर्म टाइप की टैप रूट आती है, बीट रूट, ठीक है, जो इसका एग्जांपल है,
रेडिश आपकी फ्यूजी फॉर्म तरीके की आती है। अब आप उन जी इन चीज़ों की पिक्चर्स को इमेजिन कीजिए कि किस तरीके कैसा स्ट्रक्चर होता है और कैसी रूट होती है, आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। फिर कॉनिकल जो टैप रूट आती है वो आती है कैरेट में, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रॉप रूट प्रेजेंट। प्रॉप रूट किस में प्रेजेंट होती है? देखो, प्रॉप रूट एक टाइप की एडवेंटिश रूट है जो क्या करती है, आपने देखा होगा प्लांट, लॉन्ग लॉन्ग प्लांट हैं जैसे कि आपका बनियन का, तो उसमें से क्या होती है, ऊपर से लंबी लंबी जैसे बोल सकते हैं लड़ियाँ जैसी लगी हुई हैं, तो हम उस टाइप की रूट्स को बोलते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, तो कुछ कुछ की वो लॉन्ग जो होंगी उसकी वो नीचे ज़मीन में जाके वहाँ से न्यू ग्रो हो जाती है, तो वो आता है बनियन का। तो बनियन ऑप्शन करेक्ट है। देखो, स्वीट पोटैटो की क्या होती है, अभी हमने किया था ट्यूबरकुलर टैप रूट। ठीक है, अब आपका शुगर केन की, शुगर केन की होती है स्लिट टैप रूट। ठीक है, स्लिट सॉरी रूट टैप रूट नहीं है, स्लिट रूट है। तो ये किसका और क्या कौन से एग्जांपल है, बाजरा, जीमेस, सोरगम इसका एग्जांपल है। कसकटा पैरासिटिक टाइप की इसमें रूट होती हैं जो किसी और से अपनी न्यूट्रिशन लेती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड फ्लैशी स्ट्रक्चर इन स्टेम। कौन सा किसका अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम, हमने पढ़ा था अभी रूट को भी हम खाते हैं, अब स्टेम को, किसकी स्टेम को हम खाते हैं, कौन सा अंडरग्राउंड होता है, तो इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। कैसे, देखो कैरेट आप भी किया था हमने कॉनिकल टैप रूट, पोटैटो जो आता है, पोटैटो सबने देखा है, इसमें होती है फ्लैशी स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेम, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टर्निप में हमने किया अभी नैपीफॉर्म टैप रूट एंड स्वीट पोटैटो में ट्यूबरकुल टैप रूट। ठीक है, आपका सॉरी स्वीट पोटैटो में ट्यूबरकुलर रूट होती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको पता लग गया किसमें किस टाइप की रूट्स होती हैं, और स्टेम किसी किसी प्लांट की हम स्टेम भी खाते हैं और किसी किसी प्लांट की हम रूट्स को भी इंटेक करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ए राइजोम। राइजोम एक टाइप के स्टेम को हम खाते हैं, तो किस कौन सा राइजोम से ग्रोथ नहीं करता, ठीक है, वो आता है आपका जिमीकंद। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और सारे आपके क्या होते हैं राइजोम से क्वेश्चन, राइजोम से डेवलप होते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से डाला है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राइजोम को कौन ग्रो करता है, राइजोम की से कौन सी चीज़ हम ग्रो करके खाते हैं, तो जिंजर, टर्मेरिक, वाटर लिली, तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपका जिमी इसका भी पता लग गया कि ये इसे नहीं ग्रो करता है, ठीक है, और किससे ग्रो करता है, कॉम टाइप ऑफ ए स्टेम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्ब प्रेजेंट इन, बल्ब किस में प्रेजेंट है। अब बल्ब से ये मत सोचना लाइट वाला बल्ब, अब बल्ब यह क्या है, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, बल्ब क्या है, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, फ्लैशी लीफ होती हैं, और ये कैसे स्केल टाइप की होती हैं, स्टेम जो इसकी होती है रिड्यूस टाइप की होती है और डिस्क लाइक होती है। तो बल्ब भी 2 टाइप्स के आते हैं, एक आते हैं ट्यूनिकेट, एक आते हैं स्केली। ट्यूनिकेट मतलब देखो, ट्यूनिकेट जो आता है आपका इसका एग्जाम्पल, इसमें पूछा है बल्ब किस में प्रेजेंट होता है, तो बल्ब आपका प्रेजेंट होता है, देखते हैं, पोटैटो, पोटैटो अभी हमने किया था ट्यूबर ग्राउंड स्टेम, तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। गार्लिक, गार्लिक की आपने देखी होगी कैसी होती है आपकी, जैसे ऐसे ऐसे जुट के बना है, तो इस टाइप की जो होगी वो ट्यूनिकेटेड टाइप की होती है, ट्यूनिकेटेड बल्ब टाइप की स्टेम होती है, इसको हम खाते हैं। फिर आता है आपका ऑप्शन, आपका पता है आपको बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है कॉलकोशिया, कॉलकोशिया में कॉम टाइप अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अब रहता है आपका बनाना, बनाना में भी आप बोल सकते हो इसमें जो इसका क्या आता है आपका बनाना का, इसमें अनब्रांच टाइप की इसमें भी राइजोम की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बल्ब पूछा है हमें गार्लिक में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब एरियल स्टेम मॉडिफाइड विद ए लॉन्ग इंटरनोड। कौन सी लॉन्ग इंटरनोड में होती है, देखो ये जो ये सारी दी हुई हैं ये क्या होती हैं, एरियल स्टेम के थ्रू ग्रो होती हैं, तो कौन सी लॉन्ग इंटरनोड के थ्रू ग्रो होती हैं, देखते हैं। जो स्टोलन आती है वो लेटरल ब्रांच अपीयर होती है सम डिस्टेंस, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में,
ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, ठीक है। ऑफसेट में जो आता है मोर शॉर्ट, बट ये एक्वाटिक होती है, ठीक है, जैसे कि पिस्टिलिया, वाटर हाइसिनिथ। रनर, रनर जो आता है वो जैसे कि एक डिस्टेंस के बाद लॉन्ग डिस्टेंस जो आता है वो आती है रनर। एग्जाम्पल धूप ग्रास, ऑक्सालिस, ये से एग्जाम्पल आ गए। फिर आती है सकर, सकर आती है बिलो द सॉइल, मतलब कुछ सॉइल के अंदर। एक टाइप सकर क्या है, एक टाइप की रनर है, ये भी क्वेश्चन आता है, रनर किस कौन से रिलेटेड है, तो बोल सकते हैं सकर। बट ये क्या करती है, जो रनर है वो ऊपर रहती है, सकर क्या होती है, एक टाइप से सॉइल के अंदर ग्रो करती है और वहाँ से न्यू ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि आपने मिंट, पुदीना, पुदीना तो देखा होगा, वो एक टाइप का सकर है। तो देखो हो गए ना क्वेश्चंस आपके, 4, 5, 6 क्वेश्चन आई थिंक आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट इज स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए लीफ एंड हैविंग ए मैनी इंटरनोड इज कॉल्ड। अब जिसमें देखो एक नोड, दूसरा नोड, इंटरनोड है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म ए फंक्शन। देखना स्टेम, याद रखना इसको, तो ये आता है फाइलोक्लेड। अब सॉरी दो बार आ गया, यहाँ पे आपके फाइलोड आएगा, ठीक है, फाइलोड एक समझेंगे, फाइलोड के बारे में भी एक्सप्लेन करती हूँ। फाइलोड होता है पेटियोल मॉडिफाइड इंटू लीफ, ठीक है, इसमें पेटियोल लीफ में मॉडिफाइड इंटू लीफ, और इसमें क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ ए लीफ। क्लियर हो गया फाइलोड एंड फाइलोक्लेड में डिफरेंस। क्लेडोड आता है आपका, ये फाइलोक्लेड जब 2 और 3 इंटरनोड होते हैं ए थोड़ी देर बाद, वो आता है क्लेडोड का एग्जांपल, जैसे कि एस्पेरेगस जिसमें निडल लाइक होता है आपका। फिर आता है आपका रस्कस जिसमें लीफ लाइक आपका नोड होता है। बल्बस, बल्बस आता है, बुलबिल आती है आपकी, ये बुल यहाँ पे बुलबिल आती है मॉडिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड। मॉडिफिकेशन होती है, एग्जाम्पल एगेवा, ठीक है, ग्लोबा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मॉडिफिकेशन किसकी है, फ्लोरल बर्ड की। फाइलोक्लेड समझ आ गया, स्टेम मॉडिफाइड होती है एंड उसमें मैनी इंटरनोड होते हैं, ठीक है, और एक इंटरनोड के बीच में जब मोर इंटरनोड होते हैं वो आता है क्लेडोड। फाइलोक्लेड क्या होता है, पेटियोल मॉडिफाइड होता है। तो ये बहुत बार रिपीटेड है, हर साल एक साल बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं बुक में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ए लीफ ऑन ए स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड। अरेंजमेंट होती है लीफ की स्टेम और ब्रांच में, उसे क्या बोला जाता है, देखते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट होती है लीफ की किसमें, स्टेम में, तो वो आ गया फाइलोटैक्सी। अब विनेशन क्या होता है, विनेशन होता है आपका लीफ, जैसे कि लीफ है इसमें जो वेन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है या इस तरीके से अरेंज है, किस पैटर्न में है, वो विनेशन आगे। जब लीफ स्टेम में अरेंज होती उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए रेटिकुलेट विनेशन। कौन सा एग्जाम्पल है आपका रेटिकुलेट विनेशन का, चलिए देखते हैं। देखो विनेशन भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपके रेटिकुलेट, एक होती है पैरलर, ठीक है, जैसे पैरलर का एग्जाम्पल आ गया आपका, पैरलर मतलब सीधी सीधी, रेटिकुलेट मतलब इस टाइप की। पैरलर का एग्जाम्पल बनाना, टर्मेरिक, ठीक है, बैम्बो, पलम, रेटिकुलेट। अब आपको क्वेश्चन याद नहीं आएगा कि किसकी कैसे में होगी, तो आप रेटिकुलेट एंड पैरलर का दिमाग में बिठाना और उनका प्लांट्स को आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, फिर देखना और फिर आपको याद आ जाएगा किस चीज़ की होती है, ठीक है। रेटिकुलेट पूछी है अब आपको, देखो बैम्बूज में, बैम्बूसा में आपकी आपकी पैरलर होती है, पीपल में आपकी रेटिकुलेट होती है। अब डायनोस्केलेरिया, अब विनेशन भी आपकी 2 टाइप्स की नाम नहीं, रेटिकुलर एंड पैरलर, एक और होती है फ्यूरिकेट की, ठीक है, तो फ्यूरिकेट टाइप की होती है डायनोस्केरिया में, एंड बनाना में आपकी ऑल्सो पैरलर होती है। आप खुद भी इमेजिन करके आप उसको माइंड में रख सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होगी। अगर आपको ये क्लास बेनिफिट लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट करके बताइएगा। आपको लगता है कि अगर आप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।